अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं, आर्म्स एंड द वुमेन इसका टाइटल है। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बैंक्स SSC के बहुत एग्जाम्स में बैठा हूँ, क्रैक करता आया हूँ और इन क्लासेस के जरिए मैं आपको बताता हूँ कोई भी लड़का कोई भी लड़की इंग्लिश को कैसे इफेक्टिवली टैकल कर सकती है एग्जाम में। हर सेंटेंस को मैं जैसे ही ट्रांसलेट करूंगा उसकी ग्रामर को स्ट्रक्चर को आपको अलग से लेकर के समझाऊंगा और ये है आपका आज का मोटिवेशन। सब कुछ मन से सीखो पूरे आर्टिकल में और बाद में जो सीखा है उसको अप्लाई करो इस क्विज पे। हैंडमेड क्विज है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे इस आर्टिकल के। 5 में से 5 नंबर मिले तो इससे अच्छा मोटिवेशन क्या होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है आर्म्स एंड द विमेन। देखिए आर्म्स का मतलब होता है हथियार, अभी इस वर्ड पे हम डिटेल में देखेंगे इसको। विमेन का मतलब होता है औरतें, जब ई एन लग जाए तो विमेन बोलेंगे इसको, बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर ए एन लगाओ तो वुमन होता है, एक सिंगल औरत, एक सिंगल लेडी की बात हो रही होती है। कह रहा है हथियार और औरतें, औरतें और हथियार का क्या कनेक्शन है? बात कर रहा है ऑन जेंडर पैरिटी इन द आर्मी, हमारी जेंडर पैरिटी की, लिंग की समानता की। पैरिटी मतलब इक्वालिटी, समानता इंडियन आर्मी के अंदर, भारत की फौज के अंदर। पैरिटी नाम के वर्ड को देखें, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, आदमी और औरतों को बराबर वेतन मिले, दोनों को बराबरी का काम मिले, बराबरी का सम्मान मिले, है ना, इसी को कहलाएगा पैरिटी, है ना। पैरिटी नाम के वर्ड को नोट करें। अब आ जाओ आर्म्स पे। देखो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। क्यों भाई, क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि यूज़ इसी तरीके से होते आए हैं। आर्म्स इन्हीं में से एक वर्ड है। आर्म अगर आप एस निकाल दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा बाजू, लेकिन अगर आपको हथियार के लिए यूज़ करना है ना आर्म्स को, तो आप हमेशा एस लगा के यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक ही बंदूक है तब क्या करेंगे? तब आप लिखेंगे वन आर्टिकल ऑफ आर्म्स या वन पीस ऑफ आर्म्स, है ना, वन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्म्स। लेकिन आर्म्स तो आर्म्स ही होगा, एक भी हथियार हो तो हथियार के लिए आर्म्स ही यूज़ करना है। वैसे इनिंग्स है, पारी को इनिंग बोलते हैं, चाहे एक पारी हो चाहे 1000 पारियाँ हो, आपको इनिंग्स ही यूज़ करना है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है किसी का पता। जब भी किसी को थैंक यू बोलें तो थैंक्स बोलते हैं, कभी भी थैंक नहीं बोलेंगे। वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस में भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिना इसके कभी कॉन्ग्रेचुलेशन नाम का वर्ड आप नहीं देखेंगे। प्रीमाइसिस मतलब होता है आपकी बाउंड्री, अगर आपने बाउंड्री वर्ड को यूज़ करना है तो प्रीमाइसिस वर्ड को यूज़ करेंगे, प्रीमाइस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। रिचिस का मतलब होता है धन दौलत, फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे, आर्काइव्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स, एरियर का मतलब बकाया, आर्म्स का मतलब भिक्षा, भीख, आउटस्कर्ट्स का मतलब है बाहर की पेरिफेरी, है ना, आपके सिटी का, शहर का, आपके जिले के बाहर की जो दहलीज है उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। तो ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से काम करेंगे। वेजेस मतलब मजदूरी, गुड्स मतलब सामान, क्लोथ्स मतलब कपड़े और एशेज मतलब राख। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके दो हिस्से होते हैं, जैसे बाइनोक्यूलर्स है, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन, दूरबीन में दो आंखों के लिए अलग अलग एक पोर्शन बना होगा। ऐसा हर इक्विपमेंट या कपड़े का टुकड़ा जिसमें दो दो चीज़ हों, है ना, पजामा है तो दो पाँव होंगे, ट्राउज़र है तो दो पाँव होंगे, हेडफोन्स है तो दो उसके कान होंगे, है ना, ईयरफोन, जीन्स, शॉर्ट्स, तो इनको भी आप हमेशा एस में ही यूज़ करें, पीछे प्लूरल लगा के ही यूज़ करें, ठीक है। नाउन चैप्टर में ये टॉपिक पूरी तरह कवर्ड है, आपको मैंने एक ब्रीफ दे दिया है। अब फटाफट से इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, 3 एरर्स इसमें अपने को मिलेंगी। द कंपनी स्टोर्स इट्स गुड्स इन द प्रीमाइस ऑफ अ रेंटेड कॉम्पाउंड लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। कंपनी स्टोर करती है अपने सामान को बाउंड्री में, प्रीमाइस में, एक किराए के भाड़े के कंपाउंड की, और वो कंपाउंड जो लोकेटेड है, जो स्थित है सिटी की चार दीवारी में, सिटी के चारों तरफ बाहर की तरफ, है ना, आउटस्कर्ट में। तो सबसे पहली गलती क्या हुई, सामान के लिए गुड्स यूज करना था, गुड यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा, प्रीमाइसिस, बाउंड्री के लिए प्रीमाइसिस नाम का वर्ड यूज करना है, सिंगल प्रीमाइस नाम का वर्ड बाउंड्री को नहीं बताता है। और तीसरा, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर का जो दायरा है उसके लिए आउटस्कर्ट्स यूज करेंगे, कभी भी बिना इसके ये वर्ड यूज नहीं होता। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया कैसे इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। आ जाओ फटाफट से, आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे बहुत सारे रूल्स अपने इसमें देखने वाले हैं। टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा क्या किस बारे में है। उससे पहले ऐप अपनी आ चुकी है प्ले स्टोर पे, योर इंग्लिश ट्यूटर, इस तरह का इसका लोगो है, डाउनलोड कर लें आज ही। OTP लगा करके, मोबाइल नंबर लगा करके रजिस्टर कर लेना। और नीचे स्टोर टैब में आपको मिलेंगे 3 कोर्सेज, तीनों कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में है,
आप जानते हैं हजारों रुपए के एसएससी और बैंक्स के कोर्सेज को मैं कोशिश कर रहा हूँ 50-50 रुपए में सबको अवेलेबल करवाऊँ, ऐप का खर्चा निकले और सबको नॉमिनल प्राइस में एजुकेशन मिल सके। जो भी कोर्स आप बाय करें, आप कॉन्टेंट टैब में जाएं उस कोर्स की, कोर्स पर क्लिक करके और सारी वीडियोज़ को आप लाइन से देख सकते हैं। याद रखें, कॉन्टेंट टैब में आपको जाना है। और जानकारी चाहिए हो, कुछ भी दिक्कत हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें 7014697065। चलिए, कह रहे जेंडर पैरिटी इन द आर्मी इज हैपनिंग एट अ स्लो पेस एंड इज मोस्टली लेड बाय द कोर्ट्स। कह रहे जो जेंडर पैरिटी है, जेंडर मतलब आपका लिंग, पैरिटी मतलब समानता, लैंगिक समानता है ना, औरतों और आदमियों में बराबरी का जो दर्जा है। कह रहे ये जो काम है ना आर्मी में, हमारी फौज में, कह रहे ये काम बड़ा हैपनिंग हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हैपन कर रहा है, और कब? एट अ स्लो पेस, बहुत धीमे धीमे। और कह रहे ये मोस्टली लेड बाय है, इसकी अगुवाई में है ज़्यादातर कोर्ट्स ही, हमारी अदालतें। तो आर्मी में आदमियों और औरतों को पैरिटी दिलवाने का जो काम है बड़ा धीमे स्तर पे सरकार कर रही है, और जो भी होता है वो कोर्ट की मजबूरी में आके सरकार करती है, अपनी इच्छा से नहीं करती। समझ गए? पैरिटी की वर्ब है दो, पहली वर्ब है इज हैपनिंग और दूसरी वर्ब है इज मोस्टली लेट्स। पहली वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और दूसरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव के अंदर। मोस्टली मतलब ज़्यादातर, एक एडवर्ब का काम कर रहा है वर्ब के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे हर सेंटेंस का। जैसे वुमन यहाँ सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है हैव बीन फाइटिंग, है ना। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ते जाएंगे तो ईजिली आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से डिवेलप होगी। अब एक काम करता हूँ, आपको ले चलता हूँ आज की वोकैब पे, सारे वर्ड्स इस आर्टिकल में जो यूज़ हुए हैं बड़े बड़े, उनको अपने एक साथ देख लेते हैं। ये वोकैब शीट है अपनी, पुराने भी सभी 500 वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला वर्ड है रिग्रेस और आयरन आउट, ये दोनों वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम इनको रिपीट करेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे। और तीन नए वर्ड्स हैं, अपहिल, वर्डिक्ट और लैंडमार्क। देखिए रिग्रेस का मतलब होता है जिसमें रिगर हो, रिगर का मतलब होता है मेहनत, रिग्रेस मतलब ऐसी चीज़ जो बड़ी मेहनत मांगती हो, बड़ी स्ट्रिक्ट हो, बड़ी बर्डनसम हो। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर द रिग्रेस डिसिप्लिन, आर्मी स्कूल्स जाने जाते हैं अपने रिग्रेस डिसिप्लिन के लिए, अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए, उसमें अनुशासन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, हल्का फुल्का नहीं मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा। रिग्रेस का ही सिनोनिम है कड़े का, एक स्ट्रिंजेंट या रिजिड। स्ट्रिंजेंट नाम के वर्ड को इस आर्टिकल में आज आप देखोगे, रिग्रेस का सिनोनिम बना करके देखना, ठीक है ना। स्ट्रिंजेंट भी मतलब होता है कड़ा या रिग्रेस। अगला हमारा वर्ड था आयरन आउट, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आयरन मतलब प्रेस, इस्त्री, और आउट मतलब किसी चीज़ पे प्रेस करना। अगर आपके पास एक कपड़ा है उस पर बहुत सारी सलवटें हैं, आप उस पर आयरन चला के सलवटों को स्मूथ कर देंगे। वैसे ही जीवन में कोई प्रॉब्लम हो उसको भी आप आयरन आउट करते हैं तो आप उसको रिजोल्व या सेटल करने का काम करते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, समझ गए। कपड़े की सलवटें निकाल के कपड़े को स्मूथ किया, और ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है उसको सेटल किया, रिजोल्व किया, तो आयरन आउट ही किया। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसिस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, एक मीटिंग को कॉल किया गया था सेटल करने के लिए मतभेदों को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, इसको रेकनसाइल या हार्मोनाइज भी बोलते हैं, समझ गए। अब देखो नया वर्ड आज का अपहिल, बड़ा आसान है इसको याद करना, अप मतलब ऊपर, हिल मतलब चढ़ाई, ऊपर जब हिल पे चढ़ाई करोगे ना बड़ा मुश्किल लगेगा आपको, सांस चढ़ जाएगी आपकी, शरीर जो है जवाब देने लगेगा। अपहिल हर वो काम है जिस पे आपका शरीर जवाब देने लगे, जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगे, आर्डुअस लगे, है ना, आपको करने में बड़ा मुश्किल लगे। शी हैज़ फॉट एन अपहिल बैटल टू अचीव दिस सक्सेस, इस कामयाबी को पाने के लिए उसने एक बहुत मुश्किल बैटल को लड़ा है, आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल करके इस चढ़ाई को, इस बैटल को उसने पूरा किया है, समझ गए। अपहिल मतलब मुश्किल। एक वर्ड है हमारे पास वर्डिक्ट, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, मैंने करवाया नहीं है तो आज लिखवा देता हूँ। वर्डिक्ट मतलब फैसला, जजमेंट, डिसीजन। फाइनली द एससी हैज इश्यूड अ वर्डिक्ट ऑन द मैटर, फाइनली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कर दिया है एक वर्डिक्ट को इस मैटर के ऊपर। वर्डिक्ट को आप रूलिंग, डिक्री, एजुडिकेशन, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। वर्डिक्ट को आज आप बार बार देखोगे इस आर्टिकल में। लास्ट में एक वर्ड आया लैंडमार्क। देखो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो बाहर तो आपको रस्ते में लैंडमार्क मिलेंगे। लैंडमार्क क्या होते हैं, मान लो आप जा रहे हो जयपुर से माउंट आबू, तो माउंट आबू पहले आएगा 600 किलोमीटर, फिर आएगा 500 किलोमीटर। ये लैंडमार्क पे आपको लिखा होता है, मील का पत्थर बोलते हैं ना, कौन सी चीज़ कितनी दूर है, समझ गए ना। अब वहाँ से इस वर्ड को कनेक्ट कर लो। लैंडमार्क क्या होता है, इतिहास की कई ऐसी घटना होती है जो बड़ी यूनिक और हिस्टोरिकल होती है। जैसे आप आबू के लिए निकले हो जयपुर से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लैंडमार्क आपको मिल रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप एक यूनिक पोजीशन पे आ चुके हो।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो लैंडमार्क मतलब मील का पत्थर वाली मोमेंट इतिहास की और हिस्ट्री की। जैसे द एससी हैज इश्यूड अ लैंडमार्क वर्डिट ऑन द मैटर। एससी ने इशू किया है एक लैंडमार्क वर्डिट को इस मैटर पे, इस मामले पे। ऐसा वर्डिट है जो इतिहास में याद रखा जाएगा। लैंडमार्क वर्डिट है, बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिट है। ऐसे आप इस वर्ड को याद रखें। इसको माइल पोस्ट, वाटरशेड या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। चलिए सारे वर्ड्स आपके मैंने करवा दिए हैं, रिवीजन करते रहना। सैटरडे या संडे को एक वीडियो लाऊंगा रिवीजन पे। आ जाओ फटाफट से अपने आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले ऐड करूंगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में एक साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए, एक दकियानूसी विचार है, कंजर्वेटिव थॉट है पूरी दुनिया में, कि आदमी और औरतें बराबर नहीं हैं, औरतें आदमियों से कमज़ोर हैं, है ना। हर दकियानूसी देश में दकियानूसी लोग इस विचार को पकड़े हुए आपको मिलेंगे, खास करके एशिया में और मिडिल ईस्ट में। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे निकल गई हैं, क्योंकि उन्होंने आदमी और औरतों को बराबर का दर्जा दिया है। वहाँ पे आपको आर्मी में भी औरतें कंधे से कंधा मिला करके आदमियों के साथ लड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट इस विचार को अभी भी त्यागने को तैयार नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, संविधान के हिसाब से आदमी और औरत बराबर हैं, तो आर्मी में भी दोनों को बराबरी का सम्मान, बराबरी की डेजिग्नेशन और बराबरी के मौके मिलने चाहिए। अब इसी के ऊपर एक वर्डिट इन्होंने आज से 6 महीने पहले दिया था, एक वर्डिट आज फिर से दिया है। उस वर्डिट में यह लिखा है, अब से NDA के एग्जाम में लेडीज जो हैं, गर्ल्स हैं, वो भी बैठ सकती हैं। अभी तक नहीं बैठ सकती थी, NDA का एग्जाम होता है ऑफिसर्स के लिए, समझ गए। बस यही आज इसकी समरी है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अच्छे से इस मोर्चे को लीड कर रही है, लंबी जंग है, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे देश में औरतों को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा जब आर्मी की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहा है, वेलकम कर रहा है, वेलकमिंग टोन है आज के आर्टिकल की। साथ ही साथ आप इसको एथिकल टोन का आर्टिकल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एथिक्स यानी नैतिकता की बात हुई है, क्या सही है क्या गलत है, औरतों को भी बराबरी का दर्जा मिलना जरूरी है। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, डिस्क्रिप्टिव का, 3 सेंटेंस में आंसर करना। मेरा आंसर भी आप पढ़ सकते हो फर्स्ट कमेंट में, आप भी लिखना शुरू करो। देखो, ये जो पूरा मामला है इस पे आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट के जो ख्यालात हैं, जो उससे आप ताल्लुक रखते हो या नहीं रखते हो, क्या आर्मी में औरतों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए या आपको अभी भी लगता है औरतें आदमियों से कमज़ोर हैं। 3 आर्ग्यूमेंट्स में दोनों पहलुओं पे विचार करना और फिर डालना कमेंट सेक्शन में, पोस्ट करो, मेरा भी पढ़ा करो और अपना भी लिखा करो। शुरू कर लेते हैं। कर वीमेन हैव बिन फाइटिंग अ टफ एंड अपहिल बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडियन आर्मी। कह रहा औरतें फाइट करती आ रही हैं, हैव बीन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कह रहे औरतें लड़ती आ रही हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट और एक बहुत ही अपहिल बैटल को। अपहिल भी डिफिकल्ट ही होता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो नामुमकिन जैसी हो, बड़ी मुश्किल हो, तो बड़ी मुश्किल सी लड़ाई को लड़ती आ रही हैं बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बराबरी की अवसरों के लिए, मौक़ों के लिए, इंडियन आर्मी के अंदर, हमारे भारत की आर्मी के अंदर। समझ गए। वीमेन आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी हैव बिन फाइटिंग। वीमेन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब को हमने हैव रखा है, ना कि हैज रखा है। ये टेंसेस चैप्टर में आप ऑलरेडी देख चुके हो, हैव या हैज प्लस में बिन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म किसी ऐसे काम को बताती है जो पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। अपहिल मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, स्ट्रेनस, आर्डुअस, आप इस वर्ड को ऑलरेडी जानते हो। इंडियन आर्मी भारत की एक संस्था है, भारत की एक बटालियन है ना, हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, इसलिए इसका I भी बड़ा है और A भी बड़ा है, और इसके आगे हमने द को भी लगाया है, बड़े आगे। करे इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन फरवरी 2020 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू अबाइड बाय इट्स ओन पॉलिसी एंड ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वीमेन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन या SSC एंड गिव देम कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल सर्विस अदर देन कॉम्बैट। अब बता रहा है सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मोर्चे पे पिछले कई सालों से लड़ रही है। कह रहा है एक लैंडमार्क जजमेंट में, लैंडमार्क मैंने आपको बता दिया ना, जो याद रखी जाएगी इतिहास में। कह रहा है एक ऐतिहासिक जजमेंट में जो फरवरी 2020 में आया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आस किया, पूछा या कहा, ऑर्डर किया सरकार को कि वो अबाइड बाय करे, कि वो फॉलो करे, सख्ती से अबाइड बाय करे
अपनी खुद की ही पॉलिसी को, और दूसरा क्या बोला सरकार को कि एक तो अबाइड बाय करो और दूसरा ग्रांट करो, दे दो परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब है औरतों को कमांडिंग पोजीशन मिले, और कहां पे? विमेन को, औरतों को एसएससी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और तीसरा इसको बोला कि आप सरकार को कि आप गिव कर दो उनको कमांड पोस्टिंग्स सभी सर्विसेज में, छोड़ करके लड़ाई के मैदान को, कॉम्बैट को। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे सरकार के पीछे पड़ा है, लैंडमार्क जजमेंट 2020 में दे दिया फरवरी में, और कह दिया कि ये सब काम आपको करने ही है, औरतों को परमानेंट कमीशन दो, कमांडिंग पोस्टिंग दो, चाहे बैटलफील्ड में ना लड़ने दो लेकिन बराबरी का दर्जा और बराबरी के जो है मतलब बराबरी के स्टार वार, उनको बराबरी की डेजिग्नेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट सरकारी संस्था है, एस बड़ा सी बड़ा, द लगा हुआ आगे, सरकार की हर संस्था के आगे आप द लगाएं, है ना, द सुप्रीम कोर्ट। वर्ब है इसकी आस्ट। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, इसको आप अडहर टू या कंप्लाई विद भी बोलते हैं। कन्फ्यूजन कब होती है, अभी तो आपने देख लिया, लेकिन एग्जाम में कंप्लाई बाय आया होगा, अडहर विद आया होगा, वहां पे आपको पहचानना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, है ना, यही है तीनों की पोजीशन, ध्यान से देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे, ऑन वाला सबको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है इंग्लिश का जो बिना किसी पजेसिव एडजेक्टिव के कभी आ ही नहीं सकता। ही बिलीव्स इन ऑन, ही बिलीव्स इन फॉलोइंग इन ऑन ड्रीम्स, वो बिलीव करता है, विश्वास रखता है पीछा करने में अपने खुद के सपनों का। ऑन मतलब खुद का, है ना, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पीछा करने में वो बिलीव करता है। देखो ऑन बिना पजेसिव एडजेक्टिव के नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑन एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अब ड्रीम किसके हैं, उसके खुद के हैं, तो ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, हिज, तो वो बिलीव करता है अपने खुद के सपनों को, ड्रीम्स को फॉलो करने में, तो हिज को लगना यहाँ पे जरूरी होगा। वैसे शी हैज अ फार्म हाउस, अ फार्म हाउस ऑफ ऑन इन सच ए यंग एज, उसका खुद का फार्म हाउस है, खुद का एक छोटी सी एज में। यहाँ पे ऑन भी खुद की बात कर रहा है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे भी आपको शी के हिसाब से हर लगाना पड़ेगा, ऑफ हर ऑन, शी के हिसाब से ऑफ हर ऑन। यहाँ पे क्या करेंगे, वी ऑन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम ऑन करते हैं, हम मालिक हैं इस पूरे परिसर के, इस कंपाउंड के। यहाँ भी क्या करोगे, वी के बाद में आवर लगाना पड़ेगा, वी आवर ऑन दिस कंपाउंड, ऐसा ही करोगे ना, रूल का रट्टा मत मार लेना। जब ऑन एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो उसी केस में पजेसिव घुसाना है, यहाँ पे ऑन मेन वर्ब है, वी ऑन दिस कंपाउंड, वी सब्जेक्ट है, ऑन आपकी वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है, वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे बिना बात पजेसिव मत घुसाया ना, लकीर का फकीर नहीं चाहिए अपने को, है ना, लकीर का फकीर बन के उल्टे काम नहीं करके आने। बढ़े आगे, यहाँ पे बिना पजेसिव के ऑन आएगा क्योंकि मेन वर्ब है। कह रहा है इन द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पुनिया नदल्स, द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट वीमेन हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आर्मी सिंस देयर इंडक्शन इन 1992 एंड एक्सटेंडिंग परमानेंट कमीशन टू वीमेन एसएससी ऑफिसर्स इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग द राइट ऑफ वीमेन टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी। लंबा सेंटेंस है पर बड़ा ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ। क्या कह रहा है, एक जो सेक्रेटरी है ना इस केस के अंदर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बबीता पुनिया और दूसरे, मतलब एक पूरा केस था एससी का। कह रहा है इस केस के अंदर, इन दिस केस, जो टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने पॉइंट आउट किया, इशारा किया दैट वो ये कि विमेन ने, औरतों ने प्ले कर चुकी हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को, बड़ी भूमिका को आर्मी में, और कब से, जब से उनका इंडक्शन हुआ है, जब से उनको इजाजत मिली है, जब से उनका इंट्रोडक्शन हुआ है आर्मी में 1992 से। तो पहले 1992 से औरतें आर्मी में आ ही नहीं सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि औरतों ने तो पिछले 20 सालों में बहुत ही अच्छी भूमिका को निभाया है। और कह रहे दूसरा काम क्या किया है, कह रहे जो एक्सटेंड करने का काम है, देने का काम है, जो परमानेंट कमीशन जो है इन औरतों को, वीमेन को, और वीमेन एसएससी ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर हैं ऐसी औरतों को, कह रहा है वो स्टेप फॉरवर्ड है, वो एक आगे का कदम है, रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में और रियलाइज करने में, अनुभूति लेने में। रियलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को, है ना, रियलाइज करना, किसी चीज़ को अपना जो समझना, तो रिकॉग्नाइज और रियलाइज करने में जो राइट है औरतों का, वीमेन का, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, अपॉर्चुनिटी की आर्मी के अंदर। तो कोर्ट ने यही बोला, हम इनके रोल को बड़ा सिग्निफिकेंट मानते हैं, पिछले 20 सालों में 1992 के बाद बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं ये औरतें, और अगर हम एक्सटेंड कर दें इनको परमानेंट कमीशन भी, इनको ऑफिसर बना दें, तो ये एक कदम ही होगा उस रास्ते पे जो इनकी भूमिका को रियलाइज और रिकॉग्नाइज करने का है, और इनके अधिकारों को जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का भारत की आर्मी के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। टॉप कोर्ट की वर्ब है पॉइंटेड आउट, विमेन की वर्ब है हैड प्लेड,
पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस इसलिए लगाया है क्योंकि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जब शुरुआत दे दी हो उस टाइम की तो सिंस लगा दो, अगर ड्यूरेशन दे दी हो 20 साल लिखा होता तो फॉर लगा देते। एक्सटेंड यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, एक्सटेंडिंग नाम का जीरेंट, इसकी वर्ब है इज। एक्सटेंड वर्ड के दो मीनिंग है, ज़्यादातर लोगों को एक ही मीनिंग पता होता है, आपने सुना होगा ना एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन एक्सटेंड का एक और मीनिंग है किसी को कुछ देना। ही एक्सटेंडेड हिज हेल्प, उसने अपनी हेल्प को हमें आगे बढ़ाया, उसकी हेल्प को हमें ऑफर किया, एक्सटेंड किया, गिव किया, तो एक्सटेंड का मीनिंग ये भी होता है किसी को कुछ देना। कह रहा डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट द सिस्टमिक इश्यूज रिमेन इन द आर्मी एंड द वीमेन हैव गॉन बैक टू कोर्ट टू सॉर्ट आउट द इश्यूज। अब ये जो फरवरी 2020 में आया था कोर्ट का सारा जो है वर्डिक्ट, उसके बाद में हुआ क्या? कह रहे बावजूद डिस्पाइट इस स्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट के, स्ट्रिंजेंट होता है बड़ा ही हार्श, देख चुके ना उस वर्ड को, हार्श हो, कड़ा हो, आर्ड्यूस हो, है ना, कह रहे बहुत ही स्टर्न या हार्श इस वर्डिक्ट के, इस फैसले के डिस्पाइट बावजूद सिस्टम के जो इश्यू हैं वो अभी भी बने हुए हैं आर्मी में ज्यों के त्यों, सरकारी इशू आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं, और औरतें जो हैं फिर से चली गई हैं कोर्ट में सॉर्ट आउट करने के लिए, सेटल करने के लिए, आयरन आउट करने के लिए इन इश्यूज को, इन मुद्दों को। तो कोर्ट के फैसले के बाद भी आर्मी ने अभी तक इस मामले में कोई भी कदम बढ़ाया नहीं है, सिस्टमैटिक इशू जो आज भी बने हुए हैं। अब आ जाओ सेंटेंस को देख लेते हैं, सिस्टमैटिक इशूज की वर्ब है रिमेन, औरतों की वीमेन की वर्ब हैव गॉन बैक, सोर्ड आउट आप जानते हैं रिजॉल्व करना, सेटल करना, आयरन आउट करना, है ना, आयरन आउट फेजल वर्ब आपको करवाई थी मैंने। स्ट्रिंजेंट बहुत कड़ा होता है, स्ट्रिक्ट होता है, हार्श होता है, और वर्डिट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, एजुकेशन, है ना, डिग्री, डायरेक्टिव, सब वर्ड्स आप जानते हो, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो और नॉट विद स्टैंडिंग भी लिख सकते हो, ध्यान यही देना है ऑफ जो लगेगा इंस्पाइट के बाद लगेगा, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ लगाना मत, और लगा हुआ हो तो कभी छोड़ना मत, उसको हटा देना, है ना। चलो कह रहा अनदर स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट वीमेन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन ऑन वेंसडे व्हेन द कोर्ट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर अलाउंग वीमेन टू अपेयर फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम या NDA एंट्रेंस एग्जाम ऑन September 5th। अब बता रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये औरतें वापस गई कोर्ट में आर्मी ऑफिसर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या किया, कह रहे एक और स्टेप जो है ना, किसकी तरफ भाई, किसकी तरफ, इंश्योर करने की तरफ, अच्छा किस चीज़ को, कि औरतें पाती हैं, औरतें गेट करती हैं, और किस चीज़ को, बराबरी के दर्जे को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को, बराबरी के अवसरों को, और कैसे अवसर, जो कि लेड डाउन बाय हैं, जिस प्रकार से वो परिभाषित हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। कह रहा ऐसा एक स्टेप जो है ना इस प्रकार का, वो हैज़ बीन टेकन, पैसिव वॉइस में ले लिया गया है, और कब लिया गया है, इस वेंसडे को, ऑन वेंसडे, और कब, जब कोर्ट ने पास कर दिया एक टेम्परेरी इंटरिम ऑर्डर को, इंटरिम ऑर्डर का मतलब है फाइनल ऑर्डर अभी आएगा, हमने आपको इंटरिम सा ऑर्डर दे दिया है, अब आप शांत हो जाओ, तो एक शांत करने वाला इंटरिम ऑर्डर जब कोर्ट ने पास कर दिया, जो अलाउ करने वाला था, इजाज़त देने वाला था कि औरतें अब अपीयर हो सकती हैं NDA के एग्ज़ाम के लिए 12वीं कक्षा के बाद, और कब से, September 5 से, ये September 5 को ऑर्डर आया, समझ गए, तो एक स्टेप और आगे बढ़ गई है कोर्ट, NDA के एग्जाम में भी अब ऑफिसर्स को, वीमेन ऑफिसर बनने का रास्ता औरतों का खुलने वाला है। अब इस सेंटेंस को अपने देख लेते हैं तोड़ के, स्टेप की वर्ब हैज़ बीन टेकन, स्टेप की वर्ब हैज़ बीन टेकन, वर्ब यहाँ पे है और सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, अलग अलग जगह रखे हैं। वीमेन की वर्ब गेट, ले डाउन, चलो बाद में बताऊंगा। कोर्ट की वर्ब पास्ट, इंटरिम मतलब टेम्परेरी, प्रोविजनल, टेंटेटिव, है ना, जो चीज़ अभी फाइनल ना हो। अलाउइंग यहाँ पे ऑर्डर के लिए एडजेक्टिव है, वो वाला ऑर्डर जो अलाउ करता है। अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे लगाएं, अदर हमेशा प्लूरल नाउन के आगे लगाएं। अनदर सिंगुलर, अदर प्लूरल, तो यहाँ पे स्टेप सिंगुलर था तो हमने अनदर लगाया, नहीं तो अदर लगाते कई सारे स्टेप्स होते। अब आ जाओ ले डाउन पे, देखो ले से 4-5 फ्रेजल वर्ब बनती हैं, कई बार कर चुके हैं मेरे हिसाब से, एटलीस्ट 2-3 तो आपको याद होंगी। एक बार अपने दिमाग पे जोर दे लो वीडियो को पॉज करके, मैं तो बता ही दूंगा, है ना, पहले खुद भी कोशिश करो आपको कितनी इनमें से याद है। चलो ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, किसी प्लान को, किसी फॉर्मूला को, किसी स्कीम को। सरकार जब किसी की रूपरेखा रखती है किसी भी काम की, तो इस्टेब्लिश करती है, ले डाउन करती है। ले आउट के कई मीनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है स्पेंड या इन्वेस्ट करना, स्पेंड या इन्वेस्ट करना। आपने पूछा AC कितने का है, मैंने बोल दिया आई हैव लेड आउट 35,000 रुपी ऑन दिस AC। मैंने ले आउट किए हैं, खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं
35,000 रुपये इस एसी के अंदर। तो लेआउट एक फेजल वर्ब इस तरह से काम करती है। लेओवर का मतलब होता है आप दिल्ली से पुणे जा रहे हो तो रास्ते में मुंबई में आपकी फ़्लाइट रुकी 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे का जो वक्त है ना वो लेओवर है उस फ्लाइट का, 2 घंटे का। अ शॉर्ट हॉल्ट इज कॉल्ड अ लेओवर, समझ गए ना, कहीं शॉर्ट पीरियड के लिए रुक जाना। इसको कॉल एट भी बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब मीनिंग में इसको कॉल एट करना भी बोलते हैं। अच्छा, ले असाइड का मतलब है किसी चीज़ को साइड में रख देना, सेव करना, रिजर्व करना। आपके घर में कोई सामान आया, कुछ आपके घर के कुछ मेंबर्स बाहर हैं, है ना, कुछ मिठाई वगैरह आई, तो आपने ले असाइड कर दिया थोड़ी सी मिठाई को अपने छोटे भाई या बहन के लिए कि जब वो आएगा या आएगी ट्यूशन से उसको मैं खिला दूंगा। तो सेव या रिजर्व किया, असाइड कर दिया, ले साइड में रख दिया। लास्ट है ले ऑफ, किसी को फायर करना, सैक करना, किसी को नौकरी से निकालना, है ना। अब ये ले से बनने वाली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको करवा दी हैं, और बनती हैं 25 जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जब जो ज़रूरी वाली है उनको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे लिए नहीं करवाता हूँ मैं, ये तो मैं तो ऑलरेडी 10-12 साल पहले कर चुका हूँ, ये सब सारी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ ना, कहानियों के साथ मैंने याद कर लिया है, आपके लिए करवाता हूँ तो फ़ायदा उठाया करो। टिल नाउ वुमेन कुड जॉइन द आर्मी थ्रू इंडियन मिलिट्री अकेडमी या IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी या OTA। कह रहा अभी तक औरतें जो है ज्वाइन कर सकती थी आर्मी को महज इंडियन मिलिट्री अकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के जरिए। तो NDA का एग्जाम औरतों के लिए नहीं था, अब से औरतों के लिए भी होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। विमेन की वर्ब है कुड ज्वाइन। कह रहे द डायरेक्टिव अलाउज गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम टू स्टडी एट द NDA एंड देन एट द IMA और एट द नेवल एंड एयरफोर्स अकेडमिक्स एंड बिकम कमीशन ऑफिसर। कह रहे ये जो डायरेक्टिव है, ये जो ऑर्डर है कोर्ट का, ये अलाउ करता है औरतों को, और कौन सी गर्ल्स को, जो क्लियर करती हैं एग्जाम को, कौन सा एग्जाम, द एग्जाम, ये ऊपर NDA वाले एग्जाम की बात कर रहा है, और किसके लिए अलाउ करता है कि वो स्टडी करेंगी NDA के अंदर नेशनल डिफेंस अकेडमी में, और फिर उसके बाद में जाएंगी IMA में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, और या फिर नेवल और एयरफोर्स अकेडमीज में जाएंगी, है ना, मिलिट्री की जगह नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहें, और फिर बन सकती हैं वो कमीशन ऑफिसर्स, एक पूरा जो है फुल फ्लेज ऑफिसर आर्मी में उनको जो है वो मिल सकता है डेजिग्नेशन। समझ गए, डायरेक्टिव मतलब ऑर्डर, है ना, आपने ऊपर सारे वर्ड एट ऑर्डर जो डिग्री एजुकेशन देखा है डायरेक्टिव के सिनोनिम्स हैं। डायरेक्टिव सिंगुलर है, वर्ब है सिंगुलर, अलाउज, गर्ल्स की वर्ब है हु। यस, वैसे गर्ल्स के लिए यहाँ पे दैट आना चाहिए था, गर्ल्स के लिए हु लगा करके हमने गलत किया है ना, वो वाली लड़कियाँ जो क्लियर करती हैं, तो उन गर्ल्स को हमें स्पेसिफाई करना है, तो दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज होना चाहिए। चलिए, करा द डायरेक्टिव इज सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट एंड द केस हैज बीन पोस्टेड फॉर हियरिंग अगेन ऑन September 8th। कह रहा है ये डायरेक्टिव अभी भी थोड़ा सा टेम्प्रेरी है। कह रहा है जो डायरेक्टिव है ना, ये सब्जेक्ट टू है, ये अधीन है और ज़्यादा ऑर्डर्स के और ज़्यादा आदेशों के सरकार की तरफ से। अभी सरकार और ऑर्डर्स भी इस पर करने वाली है, फाइनल नहीं है। और कह रहा है केस जो है उसको पोस्ट कर दिया गया है हियरिंग के लिए फिर एक बार September 8th को। तो 5 सितंबर को फिर 8 सितंबर को ऐसे जो है इसकी हियरिंग होने वाली है, अभी भी डायरेक्टिव फाइनल नहीं है। डायरेक्टिव की वर्ब इज, केस की वर्ब है पैसिव वॉइस में हैज बीन पोस्टेड, फर्दर मतलब और आगे, एडिशनल। सब्जेक्ट टू मैंने कई बार करवाया है, शायद आपको आता होगा। सब्जेक्ट का मतलब चेला, सब्जेक्ट का मतलब किसी का शिष्य है, गुरु का चेला कहलाता है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंडर गो होना, किसी चीज़ के अधीन होना। जैसे गुरु चेला गुरु के नीचे होता है, वैसे कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे अधीन होती है, अंडर गो करती है, तो सब्जेक्ट टू नाम के जो है फ्रेज को हम यूज़ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन है। अगर मार्केट में रिस्क होगा तो म्यूचुअल फंड्स में भी होगा, जितना रिस्क मार्केट में है उतना ही रिस्क म्यूचुअल फंड में है, दोनों की बराबरी है। समझ गए ना, सब्जेक्ट टू को ऐसे यूज़ करना है। सब्जेक्ट टू जब आप ऐसे यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट एडजेक्टिव बनता है, और सब्जेक्ट को आप सब्जेक्टेड पैसिव बना करके भी यूज कर सकते हो वर्ब बना के। जैसे दे वर सब्जेक्टेड टू सीवियर टॉर्चर ड्यूरिंग देयर कस्टडी, उनको अधीन किया गया, उनको नीचे अंडरगो करवाया गया बहुत ही ज्यादा टॉर्चर के उनकी कस्टडी के दौरान। यहां पे सब्जेक्टेड आपने पैसिव वॉइस की वर्ब बना दी है, ये भी ठीक है। यहां पे आपने सब्जेक्ट एडजेक्टिव बनाया, ये भी ठीक है। समझ गए ना, यहाँ पे एक्शन करवाया गया किसी के द्वारा, तो इसलिए आप पैसिव भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी टोल्ड द कोर्ट दैट इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू अलाउ वुमेन टू टेक द NDA एग्जाम, द बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल एंड हरिकिशन रॉय सेड इट वॉज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टिंग द सेंटर आर्मी टू टेक अ कंस्ट्रक्टिव व्यू।
अब देखो सरकार कैसे दलीलें डाल रही है कोर्ट के अंदर कि औरतें कमजोर लगती हैं सरकार को, बता रही है ये जो सेंटेंस आपको बताएगा, कह रहा है जब सरकारी वकील जो है सॉलिसिटर जनरल जो है जिनका नाम है मैडम ऐश्वर्या भाटी, जो अपीयर हो रही है सरकार की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से, कोर्ट में इन्होंने ये बोला, टोल्ड किया, ये कहा दैट वो ये कि ये एक सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, ये सरकार की एक नीति है, सरकार की एक सोची समझी नीति है, औरतों को अलाउ नहीं करना है एनडीए एग्जाम को देने के लिए, है ना। सरकार ने सोच समझ के इस फैसले को लिया हुआ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो हमारी जो बेंच थी सरकार की, सॉरी कोर्ट की, जिसमें थे दो जज साहब, पहले जस्टिस संजय किशन कौल, दूसरे हरिकिशन रॉय, इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने सेट किया कि ये जो नीति थी ना ये बेस्ड थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, ये लैंगिक भेदभाव पे बेस्ड नीति है सरकार की, गलत डिसीजन है। और डायरेक्ट कर दिया ये काम करते हुए, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया सेंटर को और आर्मी को कि वो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लें इस पूरे मामले पर, एक फिर से नज़र डालें जो कंस्ट्रक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, गलत जो है नीयत से या गलत उससे धक्कानुसी विचारों में इस मामले को ना देखें, खुले दिमाग से इस मामले को समझें, समझ गए ना। ऐश्वर्या रॉय जो सॉलिसिटर जनरल है, इनकी वर्ब है टोल्ड, कोर्ट के लिए इट आया, इसकी वर्ब है वॉज, बेंच मतलब एक जजेस का ग्रुप, एक वन वर्ड है, इसकी वर्ब है सेट, इट की वर्ब है वॉज बेस्ड पैसिव वॉइस में, डायरेक्टिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब बेंच ने ऐश्वर्या भाटी को यह बोला कि आपकी सरकार की सोच गलत है, तभी बेंच जो है डायरेक्ट भी कर रही थी इसी सरकार को और आर्मी को अपनी दकियानुसी सोच को छोड़ने के लिए, कंस्ट्रक्टिव व्यू को लेने के लिए, समझ गए ना। कंस्ट्रक्टिव हर वो काम है जो पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो, सकारात्मक नजरिए से किया जाए, जिसमें डिस्ट्रक्शन ना हो, जिसमें गलत नीयत ना हो। बढ़े आगे, कह रहा है द बेंच पॉइंटेड आउट दैट क्लोजिंग अ रोड फॉर एंट्री फॉर वीमेन टू ज्वाइन द आर्मी वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। बेंच ने पॉइंट आउट किया कि एक रास्ता जो है क्लोज करने का काम जो है, क्लोजिंग अ रूट, रूट मतलब रास्ता, करे एक रास्ते को बंद करने का जो काम है ना, जो है एंट्री का, अंदर घुसने का, और किसके लिए, औरतों के लिए इंडियन आर्मी के अंदर, कह रहे ये डिस्क्रिमिनेटरी था, अपने आप में भेदभाव वाला था, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ट है। तो बेंच का यही कहना है संविधान के हिसाब से आप औरतों के साथ भेदभाव करते हो अगर आप एनडीए का एग्जाम उनको नहीं देने देते हो। बेंच की वर्ब होगी पॉइंटेड आउट, क्लोजिंग की वर्ब है वॉज, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है प्रेजुडिस्ट, बायस्ड या अनफेयर, जो चीज़ भेदभाव भरी हो। कह रहे द रूलिंग केम ऑन अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय कुश कालरा सीकिंग परमिशन फॉर वुमेन टू सिट फॉर द एनडीए एंट्रेंस एग्जाम। अब बता रहे कोर्ट ने फैसला दिया कैसे, कह रहे ये जो रूलिंग है ना, ये जो वर्डिक्ट है, ये जो डायरेक्शन है, ये आई है एक रिट पिटीशन पे। आपने पिटीशन का मतलब सुना होगा, रिट भी सुनी होंगी, संविधान में बहुत सारी रिट्स हैं, है ना, हेबियस कॉर्पस, इस तरह की कई सारी रिट्स हैं, पिटीशन मतलब याचिका। तो संविधान की एक याचिका में ये रूलिंग आई है, और जिस याचिका को, रिट को, पिटीशन को फाइल किया गया है कुश कालरा नाम के एक आदमी के द्वारा, और ये वो बंदा है जो सीख कर रहा है परमिशन, जो मांग रहा है इजाज़त औरतों के लिए कि वो सिट कर सके एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसने पहले पिटीशन को लगाया, फिर कोर्ट ने फैसले की सुनवाई की और इस फैसले को दिया। रूलिंग की वो अब केम पास एंड डेफिनेट टेंस में, रिट पिटीशन, देखो ये एक है ना, रिट पिटीशन एक ऑब्जेक्ट है ऑन प्रपोजिशन का, तो इसको हमने सब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। रूलिंग और केम ही आपके सब्जेक्ट और वर्ब है। कह रहा मिस्टर कालरा आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड अलाउ इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज एट वर्क वर बींग वायोलेटेड बाय डिनाइंग एलिजिबल वीमेन द अपॉर्चुनिटी। कह रहा मिस्टर कालरा ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 14, 15, 16, 19 जो हैं हमारे संविधान के, जो अपहोल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और किनको, उन वैल्यूज़ को जो है इक्वालिटी की, बराबरी की, और जो अलाउ भी करते हैं बराबरी वाले और बिना भेदभाव वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वर्क पे, ऑफिस के अंदर। तो इन्होंने, कालरा साहब ने यही बोला कि ये सारे आर्टिकल हमें यही बताते हैं कि औरतों से भेदभाव नहीं होगा काम के मामले में, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। कह रहा है ये जो है ना आर्टिकल, ये सारे के सारे ये वायलेट हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहे हैं जब आप डिनाई करते हैं एलिजिबल औरतों को इस अपॉर्चुनिटी को। फिजिकली फिट है, माइंड से फिट है, पढ़ी लिखी औरत है, 12वीं पास की है, एनडीए में जाना चाहती है, एग्जाम को देना चाहती है, पर आप बोल तो नहीं दे सकते हो, तो आप इन सभी आर्टिकल्स का सम्मान नहीं कर रहे हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं, समझ गए। कालरा की वर्ब है आर्ग्यूड, इन सभी आर्टिकल्स की वर्ब है वर बींग वायलेटेड पैसिव वॉइस में। आर्टिकल संविधान के प्रॉपर नाउन है तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन विच को यूज करेंगे, है ना। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना, सपोर्ट करना किसी चीज को, किसी चीज की गरिमा को कायम रखना। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, इसकी दो वर्ब्स हैं विच की, अपहोल्ड और अलाउ। पुर्जा पुर्जा आगे बढ़ा करो, खोल खोल करके सेंटेंस को, जब पूरी अंडरस्टैंडिंग आए तभी आगे बढ़ने का मजा आता है ना। कह रहे दो द लीगल रूट हैज हेल्प्ड overcome some of the hurdles
इट विल बी अ लॉन्ग हॉल बिफोर जेंडर पैरिटी इज फुली अचीव्ड इन द आर्मी। अब ये बता रहा है आगे का रास्ता क्या है औरतों के लिए। कह रहा है हालांकि जो लीगल रूट है ना, हालांकि जो कोर्ट के जो फैसले हैं, जो कानूनी रास्ता है, उसने हेल्प किया है ओवरकम करने में, फतह करने में, और किनको, कुछ एक इन हर्डल्स को, कुछ एक इन बाधाओं को, इन रोड़ों को। कोर्ट हमेशा औरतों का जो है हेल्प करती आ रही है कि इन हर्डल्स को वो पार करें। कह रहे फिर भी ये होगा एक लंबा हॉल, लॉन्ग हॉल का मतलब है लंबा टास्क, एक बहुत ही लंबी राइड होने वाली है, टास्क होने वाली है, इससे पहले कि जेंडर पैरिटी जो है, लैंगिक समानता जो है, वो फुली अचीव होती है, पूरी तरह से अचीव की जाती है हमारी आर्मी के अंदर। रास्ता लंबा है और कोर्ट हमेशा औरतों के साथ खड़ी है, कहने का मतलब ये। लीगल रूट की वजह हैज़ हेल्प्ड, ओवरकम का मतलब होता है किसी पे फतह करना, किसी चीज़ को डिफीट करना, पार पाना। हर्डल मतलब बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, है ना, रस्ते की रोड़े। इट की वजह विल बी, जेंडर पैरिटी की वजह इज़ फुली अचीव्ड, पैसिव वॉइस में। आर्मी हमारी इंडियन आर्मी है तो ए बड़ा है और द आगे लगा हुआ है। कर इन दैट कॉन्टेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट दैट गर्ल्स विल बी ग्रांटेड एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स इज अ वेलकम मूव टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग दैम फॉर एन इक्वल रोल एंड लाइफ इन मिलिट्री। कह रहा है इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी चीज़ को देखते हुए, इसी सर्कमस्टेंसेज के अंदर जो PM साहब की अनाउंसमेंट है 15 अगस्त की कि बच्चियों को, गर्ल्स को भी ग्रांट किया जाएगा एडमिशन सैनिक स्कूल्स में। कह रहा है ये अनाउंसमेंट जो है ना, इज ये है एक वेलकम मूव, एक स्वागत करने वाला कदम, और किस तरफ, प्रिपेयर करने की तरफ, तैयार करने की तरफ, इनको बराबरी के एक रोल को और लाइफ को मिलिट्री के अंदर। तो सैनिक स्कूल में जब वो पढ़ेंगी, बाद में NDE का एग्ज़ाम पास करेंगी, ऑफिसर बनेंगी, कंधे से कंधा लड़ा करके बैटल फील्ड में लड़ाई करेंगी, है ना, तो ये मिलिट्री के अंदर इनको एक लाइफ जो मिलेगी, इक्वल रोल मिलेगा, तैयारी उनकी हो चुकी है, समझ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब की वो ये होगी, गर्ल्स की वो होगी विल बी ग्रांटेड। चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का, मेरे हिसाब से अगर कुछ इसमें था नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग था, है ना। ऐसे आर्टिकल आपको बहुत सारे थॉट्स देते हैं, नए नए विचारों को देते हैं, अगर आपको लिखना हो तो। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये भी बहुत सिंपल है, स्ट्राइजेंट, स्ट्रिंजेंट, डिस्क्रिमिनेटरी, कंस्ट्रक्टिवली, ये सारे वर्ड आप जानते हो। यहाँ पे क्या रखना चाहोगे, जब इस लाइन को आप पढ़ोगे तो कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। फिर आपको यहाँ देखना है ऑन को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर इसमें देखना है ले वाली कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी, ले अप, ले आउट, ले असाइड। और लास्ट में आपको देखना है इन चारों में से कौन सा वाला वर्ड जो है, सबके मीनिंग आपको पता है, कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा। फिर एक वन वर्ड आपसे पूछा है, ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल हो, किसी काम को जो करने का बड़ा मुश्किल काम हो, है ना, डिफिकल्ट हो, तो माइलस्टोन बोलोगे, आर्डियस बोलोगे, अपहोल्डिंग बोलोगे, सेटिंग असाइड बोलोगे, चारों में से कौन सा वन वर्ड बनेगा। आंसर्स मिलेंगे इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, है ना। नीचे जाओ अभी, अपने आंसर्स देखो और अपना स्कोर मुझे जरूर से बताना। डिस्क्रिप्टिव भी लिखना शुरू कर दो, राइटिंग स्किल्स वाले तो खास करके जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्टिव रोज लिखना शुरू करो। आगे आपको मैं डिस्क्रिप्टिव तक लेकर के आऊँगा, एडवांस राइटिंग क्या होती है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे जरूर से पूछ सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।